आई वॉज एब्सोल्यूटली डिलाइटेड टू सी दिस प्ले. बहुत ध्यान से मैं इसको देख रही थी, इसके कैरेक्टर को एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर दिमाग है तो लगता है कि ये जो कैरेक्टर है सारा का बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. उसमें साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग अगर की जाए तो मे बी शी इज़ एन अनस्टेबल वोलेटाइल पर्सन विद वेरी हाई इमोशनल कोशंट. सो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा हुआ था, बट उस लिहाज से क्रिएटिविटी इन्हेंस हो गई थी और जो सामान्यता होती है वो मिस हो गई थी. बट ऐसे ही कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, उनसे नॉर्मलसी की या सामान्यता की उम्मीद नहीं की जा सकती. और ऐसे ही हिस्ट्री में कितने सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी फील्ड में पोइट्री में आर्ट में कल्चर में बहुत आगे गए हैं, लेकिन उनसे उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है. दे हैव लिव्ड अनस्टेबल लाइफ. कुछ लोग मेंटल असाइलम में पहुंच गए हैं. तो हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे पर्सनालिटीज़ को ऐसे कैरेक्टर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए. अगर वो हमारे पैमाने पर सही नहीं उतरे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी के लिए समाज के लिए कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं. सो आई वॉज एब्सोल्युटली इन लव विद दिस कैरेक्टर एंड दिस वॉज अ वंडरफुल प्रोडक्शन. तारिक ने जिस तरह से इसको डायरेक्ट किया है, दानिश सर ने जिस तरह से इसका स्क्रिप्ट लिखा है, इट इज़ कम्प्लीटली अ टीम वर्क एंड आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू कम हियर एंड वॉच इट. थैंक यू वेरी मच. जिस देश में प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था में हमारे देश में महिलाओं की कन्याओं की पेट में हत्या कर दी जाती है उनको कन्या जानकर, उसी देश में हमारे यहाँ नवरात्रों में कन्याओं का पूजन किया जाता है. तो इसी सब व्यवस्थाओं पे हमारे यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि आज जिस प्ले को हम देख करके आ रहे हैं उसमें भी इसी व्यवस्था पे सवाल खड़े करे गए हैं कि कई प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं कि क्यों अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आते ही जन्म से पहले मर जाती हैं लड़कियाँ, कि क्यों पैदा होते ही परिवार पर बोझ बन जाती हैं लड़कियाँ, कि क्यों शादी के में योग्य वर की तलाश में पिता के पाँव का छाला बन जाती हैं लड़कियाँ, कि क्यों बलात्कार का शिकार होकर अपराधी कहलाती हैं लड़कियाँ, कि क्यों ऐसी सामाजिक रूढ़ियों का शिकार होती हैं लड़कियाँ. आज भी ये प्रश्न अनुत्तरित है और हमें इनको खोजने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, पुरुषों को संवेदनशील होना होगा, महिलाओं को जागरूक होना होगा, तभी हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएँ ख़त्म हो सकेंगी और एक समाज एक ऐसा समाज बन सकेगा जिसमें महिला और पुरुष दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाएगा, किसी को दासी किसी को गुलाम इस टाइप से नहीं समझा जाएगा. वेरी पॉइंटेड एंड इट मे सीम लाइक इट्स अ डार्क और वेरी अनरियलिस्टिक थिंग, बट आई थिंक इट इज़ वेरी टॉपिकल इवन इन टूडेज वर्ल्ड. द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट्स हैपनिंग ऑन वेमेन इज नॉट बींग टॉक्ड अबाउट एंड दिस प्ले इज जस्ट ब्रिंगिंग इट ऑल आउट इन द ओपन. वॉट मूव्ड मी द मोस्ट इज हाउ शी इज सप्लीमेटेड हर ग्रीफ, हाउ शी इज सप्लीमेटेड हर pain through poetry and the rebel in her, she was able to capture it through poetry and that became her release. What I could not somehow resonate with her is why she ended her life at a point in time when her life was about to turn. So I wish more and more women become so creative, more and more women become so courageous that they are able to rise above their circumstances and turn their lives around. Team, the direction, the crew, absolutely phenomenal job. God bless them. शानदार एक्टिंग थी और थोड़ा जोर से बोल दीजिए. बहुत ही अच्छा प्ले था, बहुत शानदार एक्टिंग थी. आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द प्ले, विद द डायरेक्शन, विद ईच एक्टर हैज प्लेड हिज रोल वेरी वेल. देखिए आज का जो ये आपका प्ले था वो वाकई आपकी मेहनतों को सलाम, आपके जज्बों को सलाम, और ख़ास तौर से जिस एक लड़की ने पूरे वक्त तक एक प्ले किया उसको ख़ास तौर से हम सलाम करना चाहेंगे कि इतनी मेहनत. और सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि इतने सारे सर स्टेज से नज़र आते हैं जो हम देखने लायक होते हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती किसी स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करना, सिर्फ इस तरह से परफॉर्म करना कि सामने वाले को देख कर लगे कि हाँ ये वाकई एक परफॉर्मेंस है कि जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो वाकई एक प्ले है, एक वाकई रोल है कि जिस पर आप तालियां बटोरते नज़र आते हैं. उसे एक छोटे से प्ले के लिए कितना वक्त लगता है इसे अक्सर हम फरामोश कर देते हैं, अक्सर भूल जाते हैं. अक्सर नीचे बैठे हुए लोग इस प्ले को देख के हंसते भी हैं, कुछ मजाक भी उड़ाते हैं. उनके लिए एक हिदायत देना चाहूँगा कि ये जो प्ले हम करते हैं स्टेज पर
कभी एक बार आप इस प्ले को छोटे से रोल को करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है। वाकई बहुत अच्छा प्ले था, खुदा आपको सलामत रखे और आगे आप इसी तरह मेहनत करते रहें, कामयाबी आपके कदम चूमती रहे। बहुत शुक्रिया। काविश थी, एक बहुत अच्छा तरीका था ये बताने का कि औरतों को, महिलाओं को, लेडीज़ को किस तरह से समाज में देखा जाता है और क्या ज़रूरत है आज के समाज की कि जिसको बदलना चाहिए, और ज़रूरत इस बात की है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। इसमें समाज की उस ज़माने की वो कड़वी सच्चाई को दिखाया गया है जो उस टाइम भी थी और जो आज भी मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो समाज की काली नाकामियाँ हैं वो ज़ाहिर होती हैं। और मैं सारा शगुफ्ता साहिबा से मतलब काफ़ी मुतासिर हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर किया। तो मैं समझता हूँ ये कड़वी सच्चाई है जो उनके थ्रू हमारे समाज के सामने आई है, और इससे हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को दूर करें और जितनी जल्दी हो सके हम इस पर अमल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये प्ले जो है समाज को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में ये प्ले जाना चाहिए, बहुत सारे शहरों में, ताकि लोग इससे कुछ सीखें और अपने आप को अमेंड करें। और मुझे यकीन है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और समाज में बदलाव आएगा औरतों के प्रति, ऐसा मेरा मानना है। तो माई रिक्वेस्ट इज दैट टेक इट टू द मतलब ऑल ओवर द इंडिया। बहुत ही अच्छा प्ले था और हकीकत से करीब था, तल्ख हकीकत जिसे कहते हैं, वो नुमाया तौर से दिख रहा था, और बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत ही ओरिजिनल, बिल्कुल हकीकत में मतलब ऐसी एक्टिंग बा कमाल के। स्टेज तो वैसे भी करना बहुत कठिन होता है, बहुत, क्योंकि आमने सामने पब्लिक को रूबरू देखना और उनके सामने मतलब किस अपने इजहार ख्यालात करना, ये एक्सप्रेशन देना, वो बहुत बड़ी बात है। हकीकत बहुत बहुत उसने अच्छी एक्टिंग की, और मतलब हम लोग बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा था, और हम चाहते हैं कि आंदा भी इस तरह के प्ले होते रहें। प्ले वाकई जो आसमान सारा आसमान वंडरफुल प्ले, और मेरी आपकी टीम से गुजारिश ये है कि इस प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो हमारे माशरे में औरतों के ख़िलाफ़ एक जहन बना हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये है कि सिर्फ लड़की जो होती है वो शादी करने के लिए होती है, उसे तालीम हम नहीं दिलाएं वो उसकी शादी करें। तो ये मैसेज दूर तक पहुंचना चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो और लड़कियों के तई हमारी जो सोच है उसके अंदर तब्दीली हो। जहाँ तक आपके आर्टिस्ट का, तो ऑल परफॉर्म वेरी वेल, वंडरफुल। पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ आपके, और फ्यूचर में आपकी और कामयाबी। हमने देखा जो बहुत ही खूबसूरत प्ले था जिसे दानिश इकबाल साहब ने लिखा है और डायरेक्ट किया है तारिकी साहब ने, ये बिल्कुल ज़माने की सच्ची सच्चाई है। इस ज़माने की जो एक खूबसूरत एक्ट के ज़रिए से हमने देखा ये माशरे की, हालांकि हम 21वीं सदी ईस्वी में रह रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में भी, आज के माशरे में भी औरतों पर जो जुल्म है वो नया है, और उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस एक्ट में दिखाया गया है। हम इसके सारा का सारा आसमान जो है इसकी काबिल सताइश, इस एक्ट की और इसमें एक्ट में काम करने वाले लोगों की सताइश करते हैं और उनकी खूबसूरत ज़िंदगी की मुबारकबाद। Super. We could relate through it, and yes, indeed, it is true. And it was different, so we loved it. Sensible. Yes. Sensible. And sensitive one. If you look at it, almost all the characters were playing their own. Sincere efforts were taken. वो तो feel हो रहा था. और क्या तारीख का इससे पहले वाला ड्रामा भी मैं काफ़ी 2-3 इससे पहले वाला देखा हुआ है. ओवरऑल जो माइक का जो कमी थोड़ा सा महसूस हुआ था, तो माइक भी होता या फुट माइक वगैरह होता तो और भी बेहतर हो जाता, लेकिन एक जो चीज़ जो कन्वे करना चाहिए था वो कन्वे हो गया, ऑडियंस के साथ जो कन्वे होना था वो कन्वे हो गया।